नमस्कार। कुन्नूर में क्रैश हुआ MI-17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इस हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग सवार थे और 14 ही जने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में उनकी मृत्यु हो गई। पूरा देश अभी गमगीन माहौल में है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अब जो ब्लैक बॉक्स मिला है उस हेलीकॉप्टर का, उससे यह पता चलेगा कि क्या ये जो क्रैश हुआ इसमें कोई मानवीय भूल थी या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या किसी के इसके पीछे किसी की साजिश थी दुश्मन देश की। हो सकता है किसी दुश्मन देश की भी साजिश हो सकती है, या खराब मौसम के कारण यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो आखिर ऐसे क्या कारण थे कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? तो वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। उस ब्लैक बॉक्स वो राज खोलेगा कि आखिर कैसे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और आपको पता है वो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है ब्लैक बॉक्स जो खोलेगा राज MI-17 हेलीकॉप्टर का। यह एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की दुर्घटना कैसे हुई। यह ऐसा बॉक्स होता है, इससे यह पता चल जाता है कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की दुर्घटना कैसे हुई। यह हर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में रहता है, चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, चाहे कार्गो हो या फाइटर प्लेन हो। यह जो ब्लैक बॉक्स रहता है ना, होता है ना, यह हर प्लेन में रहता है, चाहे वो कार्गो प्लेन हो, चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या चाहे फाइटर प्लेन हो। इसमें सबसे रहने का जरूरी कारण यह है कि अगर मान लो इन केस एनी दुर्घटना होती है तो उसे पता चल जाता है कि किस कारण से दुर्घटना हुई और नेक्स्ट टाइम में वो कारण ध्यान रखे तो वो दुर्घटना नहीं हो। इसके लिए हर प्लेन में यह ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है इसको। यह वायुयान के उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का वाला उपकरण होता है। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है। उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण होता है। मतलब जब विमान आकाश में उड़ रहा होता है ना, तो उस विमान की सारी गतिविधियां उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती रहती हैं। इन केस जब भी कभी अगर वो प्लेन उड़ता है आकाश में, क्रैश हो जाता है, तो जो सारा रिकॉर्डिंग उस ब्लैक बॉक्स में हो जाता है। और जब वो कहीं नीचे गिरता है तो ब्लैक बॉक्स जो सिक्योरिटी होते हैं उस ब्लैक बॉक्स को लेते हैं और कारण पता लगाते हैं कि किस कारण से प्लेन नीचे गिरा, आखिर क्या कारण रहा। तो मेन मुख्य कार्य क्या होता है ब्लैक बॉक्स का, कि उड़ान के दौरान के विमान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना। ये देखिए, ये होता है ब्लैक बॉक्स और इसकी क्या क्या विशेषता होती है ये देखिए। यह बिना बिजली के 30 दिन तक काम करता है। मतलब इसमें इतनी बैटरी पावर होती है कि बिना बिजली के 30 दिन भी काम करता है। अगर मान लो कि प्लेन क्रैश हुआ और अगर ये नीचे गिर गया और अगर किसी कारण से इसको ढूंढने में देरी हो गई, तो भी ये 30 दिन तक ये चलता रहेगा। इसमें विमान की दिशा, अब क्या क्या रिकॉर्ड होता है ये देखिए आप। इसमें विमान की दिशा रिकॉर्ड होती है, ऊंचाई रिकॉर्ड होती है, ईंधन कितना है वो भी रिकॉर्ड होता है कि क्या पता ईंधन कम होने से विमान गिरा हो, ईंधन का भी रिकॉर्ड होता है, गति कितनी गति पर चल रहा है वो भी रिकॉर्ड होता है, हलचल क्या हलचल होती है वो भी रिकॉर्ड होती है, केबिन का तापमान रिकॉर्ड होता है, केबिन की आवाज़, केबिन के अंदर जो पायलट बैठे हुए होते हैं वो जो कुछ भी बात करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है। इसके सहित ही 88 प्रकार की गतिविधियां भी रिकॉर्ड करता है। इन सब की तो वो रिकॉर्डिंग करते ही करता है, इसके अलावा 88 प्रकार की और भी गतिविधियां होती है जो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। अब ये रिकॉर्ड करने का कारण क्या है कि मान लो दिशा भ्रमित हो गया तो उससे क्रैश हुआ हो, इसे अपन बाद में पता लगा सकते हैं, या ज्यादा ऊंचाई या कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो, ईंधन के कारण कहीं गिरा हो, तो ये सब ऐसे कारण होते हैं, इससे पता लगाया जाता है कि किस कारण से विमान नीचे गिरा। थर्ड, यह विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। अब ये विमान के पिछले हिस्से में क्यों रखा जाता है? विमान के पिछले हिस्से में रखने का कारण इसको सेफ्टी की वजह से इसको पिछले हिस्से में रखा जाता है। यह कहीं पर भी गिरता है तो प्रत्येक सेकंड बीप की आवाज आती है 30 दिन तक। अगर ये कहीं पर भी गिर जाता है ना, तो 30 दिन तक रेगुलर
प्रत्येक सेकंड बीप की आवाज आती रहती है, टी 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 टी। क्यों क्यों आती है? इसलिए आती है कि मान लो अगर ये कहीं समुद्र में गिर गया या कहीं भी जंगल में गिर गया और अगर ये 4-5 दिन नहीं मिला तो फिर कैसे ढूंढेंगे? तो 30 दिन तक इसमें बैटरी होती है, 30 दिन तक बीप की आवाज आती रहती है, तो 1-2 किलोमीटर से ही पता चल जाता है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ है, तो ढूंढने में आसानी रहे इसीलिए हर सेकंड इसमें बीप की आवाज आती रहती है। 14,000 फीट गहरे समुद्र से भी ये संकेत भेजता है। जब प्लेन आकाश में उड़ रहा है, अगर रास्ते में समुद्र हो, अगर प्लेन समुद्र में गिर जाए तो फिर भी 14,000 फीट की गहराई से भी ये संकेत भेजता रहता है। तो गोताखोर जाते हैं, उस ब्लैक बॉक्स को निकाल के लाते हैं। यह नारंगी कलर का होता है पर इसमें ब्लैक हादसों के कारण इसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। वैसे तो इसका आप कलर देखिए, इसको आपको नारंगी कलर का दिख रहा होगा, लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक हादसे होते रहते हैं, जब भी गिरते हो तो एक ब्लैक हादसे, इसलिए ब्लैक बॉक्स इसको कहा जाता है। 260 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी 10 घंटे तक सहन कर सकता है। ये इतना मजबूत होता है ना कि 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी 10 घंटे तक सहन कर सकता है। यह मजबूत मेटल टाइटेनियम का बना होता है। ये जो बना हुआ होता है ना, मेन मजबूत टाइटेनियम का एक तरह का मेटल होता है, उससे बना हुआ होता है। तो ये जब ऊपर से गिरता है या समुद्र में गिरता है तब भी इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता, इतना इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया? देखिए 1954 में डेविड वारेन ने इसका आविष्कार किया। 1954 में डेविड वारेन ने इसका आविष्कार किया था। ऊंचाई से गिरने और समुद्री पानी में गिरने पर भी इसके कुछ नहीं होता है। अगर ये ऊंचाई से, कितनी भी ऊंचाई से गिरता है, इतना मजबूत बनाया हुआ होता है इसको टाइटेनियम मेटल से, कि ऊंचाई से कितना भी गिरे तो भी इसके कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतना ये मजबूत होता है। और अगर आप अगर देखोगे ऐसे नीचे गिर जाए तो फिर इसको बनाने का मतलब क्या है, क्योंकि इससे इसका मेन तो पता लगाना है कि आखिर किस कारण से प्लेन क्रैश होते हैं, तो इसका ये राज खुलता है। तो ये होता है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स अपन को मिल चुका है और इस ब्लैक बॉक्स ये राज खोलेगा कि आखिर CDS बिपिन रावत की मौत के पीछे क्या किसी दुश्मन देश की साजिश तो नहीं है या कोई मानवीय भूल थी। ये जो भी कारण है अब बहुत ही जल्दी पता लग जाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।